सीता मिश्रा अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और सर्वप्रथम 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। इस वर्ष हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव मनाने का अर्थ समझते हैं ना, अपनी आजादी को अमर बनाना, यानी हमारी आजादी हमेशा हमेशा के लिए अमर बने रहे। भारत आजाद है और हमेशा आजाद बना रहे। ये कब संभव होगा? जब हर घर तिरंगा फहराएंगे तभी। हाँ, हर घर तिरंगा अवश्य फहराना चाहिए। और जो भी ये दिया गया है आप लोगों को कि हर घर तिरंगा, ये जो स्लोगन दिया गया है, इसका अर्थ ये हुआ कि हर एक व्यक्ति, हर एक देश में रहने वाले हर एक नागरिक के हृदय में देश के प्रति, तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न हो। ये सम्मान कैसे आएगा? हम अपनी आजादी को अमर कैसे बनाएंगे? अपनी आजादी को अमर बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या त्याग करना पड़ेगा? तो कुछ अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां हैं, जिस क्षेत्र में हैं, जिस पद पर हैं, उस पद की गरिमा को बनाए रखिए, अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करते रहिए। यह आजादी इतनी आसानी से हमें नहीं मिली है और मिलने के बाद भी इसको बनाए रखने में अनेकों अनेक हमारे शहीदों ने अपनी शहादत दी है। इतनी सस्ती नहीं है ये आजादी, और आगे भी ये आजादी, ये तिरंगा जाने कितने अमर वीर बलिदानियों के लहू से सींचा जाएगा। कुछ पंक्तियां हैं इस अमृत महोत्सव पे। आओ आओ अमृत की बूंदे तिरंगे पे बरसाएं, आओ अमृत की कुछ बूंदे तिरंगे पे बरसाएं, आजादी को का अमृत महोत्सव मनाएं। न जाने कितने शहीदों ने लहू से इसको सींचा है, तब जाके तिरंगे का रंग निखर कर आया। इसी बात पे मुझे घटना याद आ गई। मैं कहीं कुछ पढ़ रही थी, आर्टिकल कुछ पढ़ रही थी, तो उसमें दिया हुआ था कि एक बच्चे से जब उसके विद्यालय में पूछा जाता है कि बताओ तिरंगे में कितने रंग होते हैं, तो बच्चा कहता है सर जी 5। तो अध्यापक गुस्सा हो जाते हैं और पूछते 5 रंग कैसे हैं बताओ। तो कहता है 3 रंग जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, केसरिया, सफेद, हरा, जो हम सभी जानते हैं, 4th रंग हमारे चक्र का नीला। तो फिर पूछा 5वां कौन सा? तो 5वां रंग वो बच्चा देखिए कितनी ही सरलता के साथ बताता है कि जब मैंने अपने पिता को अंतिम बार देखा था तो इसी तिरंगे में लिपटे हुए थे और उनके खून के लाल लाल धब्बे तिरंगे में लगे हुए थे। तो गुरुजी, जो मैं जानता हूँ तिरंगे में 5 रंग होते हैं, 5वां रंग शहीद पिता का, शहीद बेटे का के खून का रंग, 5वां रंग लाल रंग। ये शहादत हमारे वीरों की बेकार नहीं जानी चाहिए। और नित सीमा पे देश सुरक्षा में जो लोग प्राण निछावर कर रहे हैं, उन सबको हम लोग कितना भी वंदन करें, कितना भी उनका आभारी रहें, उसके लिए कोई शब्द हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम सबको वो गौरव प्राप्त नहीं है कि हम तिरंगे में लिपट के और अपनी अंतिम विदाई में जाएं। अंतिम विदाई में आंसू न हमको चाहिए, बस 2 गज जमीन तिरंगे का एक कफन चाहिए। हर सैनिक यही चाहता है। और वो सैनिक, वो सिपाही अपने देश से किए हुए वादे को पूरा करते करते कई बार अपने घर परिवार वालों से जो उसने वादे किए थे वो वादे वो भूल जाता है। जब सीमा पे उसके सामने दुश्मन खड़ा होता है तो उसको सिर्फ एक ही चीज दिखता है, उसकी भारत भूमि, उसकी जननी। फिर जब सीमा पे खड़ा सिपाही सब कुछ भूल के सिर्फ देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर वो देश सेवा में लगा रहता है, तो फिर हम और आप देश के अंदर बैठे बैठे क्यों अपनी आजादी को खोखला बना रहे हैं? अब जहां हैं, जो भी जिस भी पद पे हैं, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करिए। लेकिन ऐसा है नहीं, जमाखोरी, घुसखोरी, मिलावट करके लोग सोचते हैं कितना धन कमा लेंगे। आप धन नहीं कमाएंगे, आप इन कार्यों से अपने देश को खोखला कर देंगे, अपने देश को कमजोर बना देंगे। और ऐसे लोग जो मिलावट करते हैं, जमाखोरी करते हैं, घुसखोरी करते हैं, ये सभी लोग सही मायने में
ये देश में रहने लायक ही नहीं, वो देश के गद्दार हैं। तो तिरंगा लहराइए, लेकिन घर की छत के साथ साथ अपने हृदय में भी तिरंगे को लहराइए। हम लिए तिरंगा खड़े हैं, हर घर तिरंगा फहराएंगे, घाटी हो चोटी हो सब जगह फहराएंगे, और हमारा तिरंगा हमेशा हमेशा लहराता रहे। इसी कामना के साथ मैं आप सभी को फिर से अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।